लोगों ने कहा नाच गाने में हर किसी का फ्यूचर नहीं बनता, मैंने बोला कोरियन पॉप सॉन्ग। गाइज, आपने YouTube पर Google की ये एडवर्टाइजमेंट तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट में नजर आने वाली हमारी कंट्री इंडिया की फर्स्ट के पॉप स्टार श्रेया लिंका की ये Google एडवर्टाइजमेंट वाली स्टोरी सच है या नहीं? तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम जानते हैं अपनी जबरदस्त पॉप सिंगिंग और डांस से कोरिया जैसे देशों में भारत का परचम लहराने वाली इंडिया की फर्स्ट के पॉप आइडल श्रेया लिंका की रियल लाइफ स्टोरी और स्ट्रगल के बारे में। इसलिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और ज्यादा वीडियोस के लिए आपके इस अपने चैनल बोली विजन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज, हमारी कंट्री इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ओडिशा के झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली श्रेया लिंका ने मात्र 18 साल की उम्र में ही वो कर दिखाया है जिस पर आज हम सभी इंडियंस प्राउड फील करते हैं। दोस्तों, इंडिया की फर्स्ट के पॉप आइडल बनी श्रेया लिंका ऑल ओवर वर्ल्ड से सेलेक्ट हुए 4000 पार्टिसिपेंट्स को पछाड़ते हुए इस मुकाम तक पहुंची है। और आज अपने हुनर के दम पर ही श्रेया वर्ल्ड फेमस के पॉप म्यूजिक कंपनी ब्लैक स्वान की मेंबर भी बन चुकी है। साल 2003 में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी श्रेया लिंका बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड और हुनरमंद लड़की थी और शुरुआत से ही इनके पेरेंट्स और दादाजी इन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करते रहते थे। इसलिए श्रेया बहुत छोटी उम्र में ही बड़े बड़े ख्वाब देखने लगी थी, जिसके चलते इन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र से ही ओडिसी क्लासिकल डांस सीखना शुरू कर दिया था और जल्द ही ये ओडिसी डांस करना सीख भी गई थी। लेकिन श्रेया बताती है कि साल 2017-18 के टाइम पीरियड में इन्हें कोरियन ड्रामास देखने का चस्का लग गया, जिसके बाद इनको के पॉप के बारे में भी पता चला और फिर श्रेया में टैलेंट और हुनर को देखते हुए इनके फ्रेंड्स ने इन्हें के पॉप ट्राई करने की एडवाइस दी और यहीं से श्रेया की लाइफ ने यू टर्न ले लिया। बट गाइज, एक ओडिसी क्लासिकल डांस करने वाली लड़की के लिए कोरियन लैंग्वेज के पॉप सिंगिंग और डांस सीखना एक कठिन चुनौती थी, लेकिन श्रेया ने अपने सपनों को सच करने के लिए हार ना मानते हुए गूगल और यूट्यूब का सहारा लिया, जहां गूगल से श्रेया को के पॉप म्यूजिक और कोरियन लैंग्वेज के बारे में ढेर सारी जानकारियां मिल जाती। वहीं यूट्यूब से श्रेया ने के पॉप ऑडिशंस के लिए डांस सीखना शुरू कर दिया। श्रेया बताती है कि वो घंटों तक अपने छत पर जाकर कड़कती हुई धूप में कोरियन डांस की प्रैक्टिस करती थी। इसके अलावा श्रेया की कजिन सिस्टर ने भी इनको कोरियन लैंग्वेज और कोरिया से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जानने में मदद की। और फिर क्या था, ईयर 2020 में आई ऑनलाइन के पॉप ऑडिशंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इन्होंने लगभग 4000 से भी ज्यादा कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ते हुए सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। और फिर आगे के 3 राउंड्स के लिए श्रेया कोरिया गई और यहाँ पर इस टैलेंटेड लड़की ने अपने जज्बे और जबरदस्त परफॉर्मेंस के दम पर इंडिया की फर्स्ट के पॉप आइडल बनने का तमगा हासिल कर लिया। वेल फ्रेंड्स, इसी के साथ ये भी प्रूव हो गया कि बोलने से सब होगा। फ्रेंड्स, आज श्रेया लिंका किसी पहचान की मोहताज नहीं है और जल्द ही ब्लैक स्वान के पॉप म्यूजिक कंपनी के साथ इनके कई सॉन्ग्स और एल्बम्स भी आने वाले हैं। इसके अलावा श्रेया कई के पॉप कॉन्सर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। वहीं जब श्रेया से पूछा गया कि क्या कभी आप ब्लैक स्वान के साथ मिलकर इंडिया में के पॉप कॉन्सर्ट करना चाहेंगी, तो श्रेया ने बताया, जी हाँ, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वेल फ्रेंड्स, इंडिया से फर्स्ट के पॉप आइडल बनकर एक अनूठी और अभूतपूर्व सफलता हासिल करने वाली हमारी कंट्री की इस टैलेंटेड गर्ल श्रेया लिंका के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इंडियन गेम्स, सिनेमा और सोशल मीडिया से रिलेटेड और ज्यादा अपडेट्स और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक यूनिक पर्सनैलिटी से रिलेटेड अमेजिंग डिटेल्स के साथ।